एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ वोमिसली उपमा को। आप नमकीन से वहीं भी कह सकते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक प्याज, एक बड़े साइज़ का टमाटर, एक शिमला मिर्च, एक कप धनिया कटा हुआ, थोड़ा सा अदरक कद्दूकस किया हुआ, एक हरी मिर्च चॉप और थोड़ी सी करी लीव्स 12-15। और मसालों में मैंने लिया हुआ है यहाँ पे गरम मसाला थोड़ा सा, लाल मिर्च 1 चम्मच छोटा, पिसी धनिया, थोड़ी सी हींग, ज़ीरा, थोड़ी सी हल्दी और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा मैंने लिया है तेल, तो यहाँ पे तेल 3 टेबल स्पून तेल के लिए है टोटल। मैंने ये 1 कप मैंने वोमिसली लिया है, मैंने मेज़रिंग कप से 1 कप लिया। अब ये पैन लेंगे और पैन को गरम करेंगे। जब पैन गरम हो जाएगा तो इसमें ऐड करेंगे ये रिफाइंड ऑयल। जब रिफाइंड ऑयल, आप चाहें तो इसे ड्राई रोस्ट कर सकते हैं वर्मिसली को, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा तेल डाल के फ्राई कर रही हूँ। मैंने इस मेज़रिंग कप से 1 कप लिया है। तो अब इसे रोस्ट करेंगे। इसका कलर आप देख सकते हैं, बिल्कुल लाइट कलर है। इसको तब तक रोस्ट करना है बिल्कुल ये डार्क ब्राउन या गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए। तो इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है। ये देखिए अभी इसका कलर चेंज हो रहा है। इसे थोड़ा सा और रोस्ट करेंगे ताकि थोड़ा सा और डार्क हो जाए इससे वहीं का कलर। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन डार्क हो गया है। तो अब इसे एक प्लेट में मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है एक प्लेट में, तो अब उसी सेम पैन में मैं बाकी का तेल डालूँगी। बचा हुआ तेल जो था उसमें मैंने तेल डाल दिया। तेल को अच्छे से गरम करेंगे। जब तेल गरम हो जाएगा तो इसमें ऐड करूँगी मैं ये यहाँ पे जो मैंने हींग लिया था उसको, और उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी अदरक और हरी मिर्ची। इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें मैं करी लीव्स डाल रही हूँ। थोड़ा सा ये क्रैकल हो जाएगा, तो बस इसे 30 सेकंड के लिए फ्राई करने के बाद इसमें मैं अनियंस डाल रही हूँ। अनियंस मैंने बिल्कुल फाइन चॉप किया है, जैसे ऑमलेट में डालते हैं वैसे प्याज को कट किया है। तो इसको भी फ्राई करूँगी, थोड़ा सा ही फ्राई करूँगी ताकि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। तो बस ये अब जब ट्रांसलूसेंट हो जाएगा तो अपने बाकी के इंग्रेडिएंट में डालूँगी। तो इसे मैंने 1 मिनट प्याज को भुना है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी ये शिमला मिर्च के। तो मैंने इसको छोटे टुकड़ों में कट किया है शिमला मिर्च को, इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। इसको भी मैं 1 मिनट भूनूंगी। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी टमाटर के। हाँ, और इसमें आप टमाटर थोड़ा ज़्यादा ही डालें, अच्छा लगता है इसमें टमाटर का टेस्ट। अब टमाटर के साथ नमक डालेंगे एज़ यू नो, क्योंकि टमाटर और नमक जल्दी गल जाते हैं एक दूसरे में मिक्स होने के बाद। तो अब इसको डालने के बाद इसे थोड़ा सा मैंने फ्राई करना है, और उसके बाद बाकी के मसाले डाल देना है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए और सारी सब्जियां भी अच्छे से और फ्राई हो जाए। अब इसमें लिड लगा देंगे, और लिड लगाने के बाद इसे 4 मिनट या 3 मिनट के लिए इसे कुक होने देंगे ताकि मसाले अच्छे से भुन जाए भाप में। अब मैं लिड हटा रही हूँ। देखिए अब इसमें तेल मसाला सब अच्छे से मिक्स हो गया है और तेल थोड़ा सा अलग भी हो गए हैं। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी सेवई के। तो मैंने जो 1 कप सेवई लिया था मैंने डाल दिया है उसको। अब इसमें आती है पारी पानी डालने की, तो इसका सही मेज़रमेंट मैं बताऊंगी। मैंने इस कप से 1 कप सेवई ली थी, तो इसी कप से 1.5 कप पानी डालूंगी। ये मैंने डाला 1 कप और ये 1/2 कप। तो टोटल मैंने यहाँ पे 1 कप सेवई के लिए 1.5 कप पानी डाला है, यानी जिस भी बर्तन से आप सेवई को नाप रहे हैं उसका 1.5 गुना पानी ही डालेंगे। और उसके बाद इसको अच्छे से फ्राई करें, मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद इसमें लगा देंगे लिड। तो इसमें बॉईल आ गया, लिड लगाऊंगी 4 मिनट के लिए। अब इसको
लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करूँगी, बॉईल करूँगी। तो ये देखिए मैंने इसे कुक किया है, 4 से 5 मिनट हो गए, आप देख सकते हैं। अब इसे थोड़ा ओपन करके थोड़ा सा और मैं ड्राई कर ले रही हूँ, अगर पानी हो, ना पानी हो तो आप इसको ऑफ़ कर दें। तो ये मैंने गैस ऑफ़ कर दिया अब, और इसमें डालूँगी टोमेटो केचप। तो बस अब टोमेटो केचप जो है वो ऑप्शनल है। अब इसमें मैं डाल दूँगी हरी धनिया, इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। तो आप देख सकते हैं वो मिसेली बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है, और वो ये बिल्कुल गीली नहीं हुई है या पानी ज़्यादा नहीं हुआ है, सारे अलग अलग बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। बस मुझे ऐसे ही चाहिए थी वो मिसेली, बस पानी का ध्यान देना है कि पानी जो है हिसाब से ही डालना है। अब इसमें मैं ऊपर से हरी धनिया थोड़ा सा डाल रही हूँ, और थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड करूँगी जो कि ऑप्शनल है। तो ये वर्मिसेली उपमा तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।